हमारा भगना सामान। एकदम लग रहा था कि हमारा भगना चोर है। हमारा भगना इंटरव्यू के लिए जा रहा था और प्रशासन पैसा लेके गया जिले के मानपुर प्रखंड के मुफसिल थाना क्षेत्र के बोसुंडा मोड़ के समीप हाईवे की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर घंटों बोसुंडा मोड़ के समीप सड़क जाम किया। मृतक की पहचान बालाजी नगर मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय गौतम कुमार के रूप में की गई है। इस संबंध में मृतक के परिजन ने बताया कि गौतम ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करता था, जो भूसुंडा मोड़ के समीप स्थित बालाजी नगर मोहल्ले का रहने वाला था। जैसे ही वह बाइक पर सवार होकर अपने घर के गली से बाहर मुख्य सड़क पर निकला, तभी तेज गति से आ रही हाईवे ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हाईवा चालक और खलासी हाईवा छोड़कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस की दी। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि पुलिस के आने के बाद सबको घसीटते हुए वहां से वाहन तक ले गए। लोगों का कहना था कि पहले सबको घटनास्थल पर लाया जाए, बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। लोग हाईवा चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की। तो उस लड़का साइड होकर के साइड हो गया, दूसरा टेम्पर आके छाप दिया है, न बचा वाला न स्पॉट डेट कर गया है। पुलिस प्रशासन आया मुफस्सिल थाना, उसको लवारिस लाश के जैसा खींच के ले गया। मेरे पास वीडियो है, चल के गया स्पॉट देखिए कहाँ मेरे भाई इसी जगह पर है सर। किसी का भी बच्चा हो कम से कम मेरा वार्ड काउंसलर के तो बुला लेता, वार्ड मुखिया के बोला, वार्ड सदस्य को बुला, नहीं था कोई तो पांच को पांच के बुला लेगा। यहाँ कैसे हुआ क्या हुआ, चल के स्पॉट देखिए क्या स्थिति है। दस रुपया में हाई बाके यहाँ पर एंट्री है, 9 बजे के बाद 2 एंट्री है, 10 रुपया लेकर के एंट्री प्रशासन करवाता है। अभी बॉडी कहाँ है दोनों? बॉडी प्रशासन खींच के ले चल गया लवारिस लाश जैसा मुफस्सिल सर। लाश जब तक नहीं आएगा बिना मेडिकल के लिए हमको लाश चाहिए। दोनों की उम्र कितना था? उम्र वही लगता है 25-23 बरस था। क्या करते थे वो? ट्यूशन पढ़ाता था और दौड़ धूप करता था, जनरल तैयारी करता था सर। इंटरव्यू देने के लिए बैग उक सब टांग लो इसी जा रहा है सर। उसका नाम क्या था?